नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आपका पहली बातें पे स्वागत करता हूं और आपको कहता हूं एक बात कि बहुत खुश होंगे ना आप घर पर बैठकर ये न्यूज चैनल में देखते हुए कि उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि यार हम कोरोना वायरस का जो चैन है वो तोड़ने में नाकाम रहे। बीजेपी वाले खुश होंगे कि चलो भाई महाराष्ट्र की सरकार गिराने में मजा आएगी, वहीं खुश होंगे कुछ महाराष्ट्रियाने उन्हें देखकर जो जा रहे हैं यूपी की तरफ कि यार चलो ये भैया लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग तो अभी भी मुद्दा बनाए बैठे हैं हिंदी मराठी का कि भैया महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। यार जिसने पहले मुद्दा उठाया उसने यूनिटी क्रिएट कर वो आगे बढ़ गया, लेकिन नहीं, हमारे पास काम धंधा नहीं है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना है। हिंदू मुसलमान को ब्लेम करे, मुसलमान हिंदू को ब्लेम करे, मराठी हिंदी को, हिंदी मराठी को, बीजेपी अदर पार्टीज को, अदर पार्टीज बीजेपी को, बस इन्हीं चीजों में हम मरते जा रहे हैं दोस्तों। आज मुंबई की, महाराष्ट्र की हालत इतनी बदतर होती जा रही है, शायद हम घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ रोज ये करें ओ माय गॉड आज मुंबई में तो इतने केस आ गए, ओ मुंबई महाराष्ट्र में इतने लोग मर गए, कोरोना पता नहीं कब जाएगा। दोस्त ये कहने से ना कोरोना नहीं जाने वाला, जाएगा तो सिर्फ एक वजह से, अगर हम सब जो सरकार कह रही है वो बात सुने। मुझे मालूम नहीं कि आपको उद्धव ठाकरे जी का वो स्टेटमेंट सुनकर क्या महसूस हुआ, लेकिन सच बता रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार हम मुंबईकर, हम महाराष्ट्रियन जो कहते हैं कि जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं, हम जो कहते हैं जय महाराष्ट्र जय हिंद, ये कहते हुए जब हमें इतनी गर्व महसूस होता है, इतना खुशी महसूस होता है, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को हराया, हमको आजादी दिलाई, आज हम सब हार मान रहे हैं, और हार मान रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से दोस्तों, क्योंकि शायद आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, शायद आप चाहते ही नहीं कि मुंबई से, महाराष्ट्र से कोरोना बाहर जाए, और इसकी वजह है तो सिर्फ चंद लोग जिन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन में करना क्या है, लॉकडाउन में जीते कैसे हैं। दोस्तों लॉकडाउन का पालन करने वालों का ना अगर आपको देखना है कि क्या हुआ है तो आप केरला देख सकते हैं। रिसेंट एकदम लाइव आया था न्यूज में, केरला में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से वो फ्री हो रहा है कोरोना से। मणिपुर, गोवा, नो केसेस ऑफ कोरोना वायरस। वाय, वो भगवान नहीं थे वहां, उनके यहां पर, उनके यहां पर लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया, सरकार की बात सुनकर नहीं। पहले तुमको बता दूं, उन्होंने खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं बांटा किसी को कि अरे भाऊ उधर कैथलिक है, यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे वो दारू पीने वाला नहीं है, इधर दारू पीने वाला है, उन्होंने ये सब नौटंकी नहीं किया दोस्तों। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, इसकी वजह से आज वो कोरोना फ्री स्टेट है। मुंबई जो हर बार हर मुसीबतों से बाहर आने में समर्थ रहता है, हर बार तैयार रहता है, लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में मुंबई दौड़ता रहता है, लेकिन आज मुंबई ठहर चुका है बस इस वजह से कि जब मैं कल जाकर इमरजेंसी केस की वजह से बाहर देखता हूं तो सिर्फ 10 या 20% क्राउड रोड से कम है, बाकी तो पूरी क्राउड बाहर है। तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है मेरे दोस्त, समझ में नहीं आ रहा। और यहां पर आप लोगों की वजह से सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हार मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे। दोस्तों अब बारी है एक मैसेज की, सोशल मीडिया का सही उपयोग करने का। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज लिखना है उद्धव ठाकरे जी के लिए, जो आपके मन में आए, जो फीलिंग्स आपकी हो, लेकिन पॉजिटिव हो दोस्त, राजनीतिक ना हो। सिर्फ उनको साथ देने की बात करना है और एक हैशटैग यूज करना है, आई सपोर्ट RCM उद्धव ठाकरे जी। और दोस्तों ये देखिए, जैसे ही आप करते हो ना, जो उद्धव ठाकरे जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको जो जोश आएगा ना दोस्त, देख लेना, बहुत ही जल्द अगर हम सब साथ देंगे और सब लॉकडाउन का पालन करेंगे ना दोस्त, तो बहुत ही कम समय में हम मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को कोरोना से बचा सकते हैं, क्योंकि लड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आजादी कैसे छीनी जाती है, आजादी कैसे पाई जाती है, महाराष्ट्र की जन्मभूमि से ज्यादा कोई नहीं जानता दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अंदर जो खून है वो लहू में थोड़ा सा आप लोग उबाल लाएंगे, और जो फालतू बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया पर उनको थोड़ा साइड में रखेंगे, यूनिटी ह्यूमैनिटी की बात करके अपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि परिवार जब बढ़ता है तो अच्छा लगता है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। थैंक यू।